ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक होगी। आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक। कैबिनेट बैठक में 20 पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र को बुलाए जाने पर हो सकता है फैसला। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कैबिनेट बैठक पे जो भी जानकारी है रवि बताएं। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज 11 बजे सचिवालय में एक बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की काफी अहम बैठक इसको बताया जा सकता है, क्योंकि इस कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला जो मानसून सत्र है विधानसभा का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है कि कब सत्र बुलाए। हालांकि एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मानसून सत्र है वो इस महीने के तीसरे हफ्ते तक जो है वो शुरू किया जा सकता है, ऐसी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं, कैबिनेट बैठक में शिक्षक तबादला नीति को लेकर जो है संशोधन को मंजूरी दी जा सकती है। नए संशोधन के बाद शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर और एडहॉक पर लगे टीचर्स को जो है वो तबादला वो भी हो सकता है इसमें। और हरियाणा सरकार प्रदेश लैंड बैंक बनाने के को भी मंजूरी इस जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें दे सकती है। लैंड बैंक में प्रदेश के सभी विभागों की जमीन का उपयोग किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक संबंधित विभाग को जमीन मुहैया इस फैसले के बाद जो है की जा सकती है। साथ ही भू मालिकों से बिक्री हुई जमीन को इसी बैंक में जो है रखने का जो प्रावधान होगा और ऐसी उम्मीदें। और इसके अलावा मैं बात करूं, 20 ऐसे एजेंडा हैं जिन पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आने वाले तीसरे हफ्ते में, इस महीने के तीसरे हफ्ते के जो है मानसून सत्र बुलाने का जो है वो इसमें फैसला लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अनामिका। ये जो 20 एजेंडे रखे जाएंगे आज होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में, ये मानसून सत्र से रिलेटेड होंगे या ये पार्टी से रिलेटेड होंगे, पार्टी लाइन को लेकर रिलेटेड होंगे? देखिए अनामिका, ये जो 20 एजेंडे ही कैबिनेट मीटिंग में है, इसमें कितने जो एजेंडे हैं डेफर किए जाते हैं, कितने पर जो चर्चा होती है, तमाम चीजें इस मीटिंग में ही फाइनल होती हैं। और इस मीटिंग के बाद जो पूरी चीज जो है वो निकल करके सामने आएगी, कितने एजेंडों पर चर्चा हुई है, कितने आगे के लिए डेफर कर दिए गए हैं, तमाम चीजें आज की इस मीटिंग में फाइनल होनी है अनामिका। बेसिकली ये सवाल पूछ रही थी मैं कि मानसून सत्र भी बुलाए जाने की जो बात हो रही है उसको भी एक एजेंडे के तौर पर रखा गया क्या? 20 एजेंडों में अगर मोटा मोटी बात करें कि क्या क्या प्रमुख हैं, तो अगर कुछ पता चल पाया है रवि? अनामिका मैं बात करूं, इनमें दो तीन सौ चीजें यही हैं कि तबादला नीति को लेकर और लैंड बैंक बनाने को लेकर, ऐसी दो तीन ही जो एजेंडे हैं जिनका अभी तक मुख्य तौर मतलब आज जो जैसे मीटिंग खत्म होती है उसके बाद जो है प्रेस वार्ता होगी, प्रेस वार्ता में सारी डिटेल्स है जो बताई जाएंगे और हम अपने दर्शकों तक वो तमाम जो जानकारियां हैं मीटिंग के बाद हम जरूर पहुंचाएंगे अनामिका। बिल्कुल, ये प्रेस ब्रीफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं ये प्रेस वार्ता होगी जिसमें जानकारी दी जाएगी, आपके जरिए हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 11 बजे बैठक शुरू होनी है रवि? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो बैठक है वो हरियाणा सचिवालय की चौथी जो मंजिल है उसमें होनी है और तमाम मंत्री इस बैठक में वो मौजूद रहने वाले हैं और जिस हिसाब से बैठक काफी अहम मानी जा रही है उसको लेकर लगता यही है कि तमाम जो मंत्री हैं समय से पहले जाएंगे, इसमें कहीं देरी की कोई संभावना नजर नहीं आती। एग्जैक्ट 11 बजे जो ये मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए।